शासकीय महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। छतरपुर में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जिले के सभी शासकीय महाविद्यालयों में पूर्ववत सीटें रखने की मांग उठाई है। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री विनय तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस समय चारों तरफ कोरोना संकट चल रहा है, लोगों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में यदि शासकीय महाविद्यालयों में पर्याप्त सीटें नहीं होंगी तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को निजी कॉलेजों में फीस देकर एडमिशन कराने पड़ेंगे। विनय तिवारी ने कहा कि विगत वर्ष शासकीय विद्यालयों में जितनी सीटें थीं, इस वर्ष भी उतनी ही सीटों पर प्रवेश दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजों में पढ़ने की सुविधा मिले। ज्ञापन के दौरान कौशल वर्मा, कविता राज, रवि कुशवाहा, जयकांत पाठक, आदित्य दीक्षित, अवधेश यादव, सत्यम सोनी, राघवेंद्र पटेल, आकाश वर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के सभी शासकीय महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की गई थी, इस बार जिससे जितने भी कमज़ोर गरीब विद्यार्थी हैं वो अच्छी शिक्षा पा सकें। लेकिन इस वर्ष क्या किया गया, जिला कलेक्टर महोदय ने सभी शासकीय महाविद्यालयों की सीटें घटा दी हैं, जिससे छात्रों के मन में डर बैठ गया कि शासकीय महाविद्यालयों में उनका एडमिशन होगा कि नहीं। इसी विषय को लेकर कि पुनः यथावत सीटें कर दी जाएँ सभी शासकीय जिले की सभी शासकीय महाविद्यालय में, इसीलिए आज यह प्रदर्शन और ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया।